बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो साल 2018 में बॉलीवुड की फिल्म नहीं कर पाई। एवेंजर्स ने रिकॉर्ड तोड़ा टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 का। जी हां, बॉलीवुड में 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी बागी 2, जिसने पहले दिन 25 करोड़ का धमाका किया था। लेकिन अफसोस, बागी 2 का कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने। इसका तगड़ा तहलका देखने को मिला भारतीय बॉक्स ऑफिस पर। एवेंजर रिलीज होने के साथ ही सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। सारे हॉलीवुड मूवीज का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, बल्कि भारत में भी बॉलीवुड को पछाड़ कर एवेंजर्स ने पहले दिन 30 करोड़ का धमाकेदार व्यवसाय किया। बागी 2 का कलेक्शन रहा था पहले दिन का 25 करोड़ और अब तक बागी 2 कमा चुकी है 150 करोड़ से ज्यादा और अनुमान लगाया जाए तो इन्फिनिटी वॉर 150 करोड़ का लक्ष्य आसानी से हासिल कर जाएगी। इन्फिनिटी वॉर फुल 2 एक्शन पैकेज फिल्म है जिसमें आपको एक साथ सारे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। तभी तो मार्वल की ये फिल्म धमाकेदार कमाई करके बॉलीवुड की बागी 2 को भी पछाड़ गई। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें देखो देखो बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए।